मत दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पितृ दोष क्या है, कैसे बनता है। मैं एक लाइन में ही आपको इसके बारे में बता दूंगा। हमारे घर से संबंधित अतृप्त आत्माएं जो कि तृप्त नहीं है, पितृ दोष का कारण है। हमारे पितृदेव शरीर नहीं है, अब वे आत्माएं हैं, अब वे तृप्त नहीं है, अतृप्त हैं, और अतृप्त आत्माएं कमजोर हुआ करती हैं। कमजोर आत्माएं शीघ्र ही दूसरे प्रेतों के दबाव में रहती हैं। दूसरे प्रेत जो चाहते हैं उसी प्रकार से फिर उन कमजोर आत्माओं को आदेश मानना पड़ता है, और वह उनका आदेश ही हमारे घर में उपद्रव पैदा करता है। दोस्तों, ये अतृप्त आत्माएं जो होती हैं, इनसे हमें हमेशा मुसीबतों में डालने वाले ही कार्य बना करते हैं, और हमें हर वक्त मुसीबत ही मिलती रहती है। आप जान नहीं पाते कि अब ये दोष आ कहां से रहे हैं, या ये आत्माएं अतृप्त क्यों हैं, या इनको तृप्त कैसे किया जाए। यूं तो एक नहीं, सो नहीं, हजारों नहीं, लाखों उपाय मिल जाया करते हैं। दोस्तों, श्रद्धा और विश्वास के साथ आप जिस उपाय को करेंगे तो हमारा पितृ दोष भी खत्म होगा, क्योंकि अब उन आत्माओं में बल आने लग जाएगा, तो पितृ दोष अपने आप खत्म हो जाएगा। जब वे आत्माएं तृप्त हो जाएंगी तो हमारे कार्य भी बनने लग जाएंगे, और पितृदेवों की कृपा भी आने लग जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर पितरों में बल कैसे पैदा किया जाए। वैसे तो बहुत विधियां हुआ करती हैं दोस्तों, परंतु मैं आपके लिए बड़ी साधारण विधि लेकर आया करता हूं, और साधारण विधि को आप साधारण ना समझें, ये अति असाधारण हुआ करती है। जब आप इन्हें करेंगे तो समझ लेना, आपका पितृ दोष भी दूर होगा और पितरों की पूरी कृपा भी आएगी। भगवान श्री विष्णु, भगवान भोलेनाथ और शनि महाराज, ये तीन देव ऐसे हैं जिनसे शीघ्र ही हमारे पितृ देवों के प्रति हम जो कार्य करते हैं या इनकी अर्जी लगाते हैं तो शीघ्र ही सुनवाई हो जाया करती है। आज मैं विष्णु भगवान की छोटी सी अर्जी के द्वारा पितरों में बल कैसे पैदा किया जाए और पितरों से हमें पूरी कृपा कैसे मिले, यही छोटी सी विधि बताऊंगा। तो मिनट का भी प्रयोग नहीं हुआ करता है दोस्तों, यदि इस विधि को आप ध्यान से सुन लें। आपने बस दक्षिण की ओर एक अपना पट्टा लगा देना है। पट्टा आप समझते हो कि जमीन से ऊंचाई, थोड़ी सी ऊंचाई पर आप कोई भी अपना पट्टा हो जिसे लगाएंगे, नहीं हो तो ईंटें ही लगा सकते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई पे हो जमीन से, और उसके ऊपर सफेद कपड़ा बिछा देना, और रविवार के दिन आपने एक लोटा जल भर करके रख देना, उसको ढक देना। लोटा तांबे का हो या पीतल का हो, या इन दोनों में से कोई ना मिले तो मिट्टी का ही एक लोटे नुमा छोटा पात्र ले देना, ढक करके रख देना। इतना सा काम है दोस्तों, आप भली प्रकार से समझ गए। इतवार को सुबह यह कार्य, यानी रविवार को यह कार्य कर देना, हो गया काम।
अब आपने रविवार की शाम को एक पूर्व की ओर मुख करके बैठना और सामने एक घी का दीपक जला लेना। इतना आप काम करना है और जब ये दीपक जला करके जब आप बैठेंगे अपने आसन पर पूर्व की ओर मुख करके, तब वो जो लोटा रखा है या पात्र रखा है जो भी, उसे आप ले आना और अपने हाथ में रख लेना। सीधे हाथ में इस प्रकार से रख लेना। अब आपने भगवान श्री विष्णु का ध्यान करना है कि हे प्रभु, मेरे पितृदेवों में बल पैदा कर, ताकि पितृदेव हमारी रक्षा करते रहें। अब आपने जो मैं मंत्र बोल रहा हूं, इन 11 मंत्रों को बोलना है। वह चाहे आप हाथ पे गिन सकते हैं। सीधे हाथ में आपने वह पात्र पकड़ा हुआ है, अब आपने इन मंत्रों को बोलना है। ॐ नमो विष्णुः बलं देहि मम पितृभ्यो जयं भवे। यह एक मंत्र है दोस्तों। अब इस मंत्र को 11 बार बोल देना, इतना सा ही काम है। अब जब यह थोड़ी ऊंचाई पे रहेगा, आपने जो ये मंत्र बोले हैं भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके, समझ लेना अब इस जल में बल आ गया है। अब इस जल को फिर से जहां पर आपने दक्षिण दिशा में अपना पट्टा लगाया हुआ है वहीं पर रख दें जहां पहले रखा था। इतना सा ही काम। यहां तक की विधि दोस्तों बड़ी आसान है। और जब आप वहां पे रख देंगे, पात्र को ढक देंगे, आपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे मेरे पितृदेव, जल को ग्रहण करें। बस हो गया काम। वे आत्माएं हैं, वे इस जल को दिखाई भले ही ना दो, ग्रहण करेंगे। और ग्रहण करते ही उनमें बल आने लग जाए। अब जब अगले दिन सोमवार को आपने इस पात्र को उठाना है जिसमें जल भरा है दोस्तों, इसमें से आपने 3 घूंट जल पीना है। 3 चम्मच बारी बारी करके निकाल लें और 1 घूंट, फिर 2 घूंट और 3 घूंट जल पीना है। और आपने अपने पितृदेवों का ध्यान करना है। ओम श्री पितृदेवाय नमः। इतना बोल देना, इतना बोल करके ये 3 बार जल पी लेना। ओम श्री पितृदेवाय नमः। फिर डाल देना ओम श्री पितृदेवाय नमः, ओम श्री पितृदेवाय नमः। हो गया दोस्तों। विधि में इतनी सरल बताया करता हूं कि आपकी समझ में आ जाए। अब घर में यदि आप सभी सदस्यों को ये 3-3 चम्मच जल पिला देंगे तो घर में भी किसी को पितृ दोष नहीं रहेगा और पितृ इतने प्रसन्न होंगे कि वे आप पर कृपा भी बरसाने लगेंगे। कोई नहीं भी है घर में सदस्य, बाहर है, तो कोई बात नहीं, जो है वो पी ले। अब जो जल बचा है दोस्तों, अपने घर से बाहर किसी भी पेड़ के नीचे चले जाएं और दक्षिण की ओर मुख करके आपने इसको थोड़ा थोड़ा जल डालते हुए नीचे डालना है। ओम श्री पितृदेवाय नमः, ओम श्री पितृदेवाय नमः। इस प्रकार करते हुए आपने इसमें से जल नीचे डाल देना है। अब जल संपूर्ण हो गया आपका।
आपने फिर से इस पात्र को भर लेना है और वहीं पर रख देना है जहां पर आपने रखा था पहले। दक्षिण की ओर जो जगह बनाई है, पट्टा लगाया है, सफेद कपड़ा बिछाया है, उसी पर भर कर रख देना। आपका कार्य हो गया समझो दोस्तों। यह एक प्रक्रिया एक दिन की बता दी है। अब शाम होने पर फिर आपने इसी प्रकार से दीपक जलाना, लोटा अपना उठा लेना और अपना हाथ में लेकर के वही विष्णु जी के यह 11 मंत्र बोलना। इसी प्रक्रिया को दोस्तों यदि आप 21 दिन तक लगातार कर देंगे तो समझ लेना कि आपके पितरों में इतना बल आ जाएगा। कोई कहता है ना कि बांध दिया है आपके पितरों को और ना कोई कभी बांध सकेगा। और पितृदेव अपने बंधन से भी मुक्त होंगे, बल भी आएगा और आपके ऊपर कृपा भी बरसाएंगे। 21 दिन के प्रयोग में ही देख लेना दोस्तों। बात छोटी छोटी बताया करता हूं लेकिन जब आप करेंगे इसका नतीजा जो निकल करके आएगा वे आपकी जिंदगी को खुशहाल कर देगा दोस्तों। कर लेना, अच्छा लगता है किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।